अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत खूबसूरत सा नेकलाइन बनाएंगे। इसे आप बॉर्डर के तौर पे भी बना सकते हैं, नेकलाइन के तौर पे बना सकते हैं, इसे आप स्कर्ट्स के ऊपर भी डाल सकते हैं और ये स्लीव्स के आगे भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये वाला जो नेकलाइन का पैटर्न है जो आपको पिंटरेस्ट पेज से मिल जाएगा, और पिंटरेस्ट पेज का जो लिंक है वो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। इसमें मैं ये वाले सिल्क थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। ये डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लोकल ब्रांड्स होते हैं। इस तरह से ये बहुत इसका ये वाला बहुत थिन सा होता है धागा जो है, तो इसको हम मल्टीपल इसकी स्ट्रैंड्स बना लेते हैं। इसकी 4 स्ट्रैंड्स हमने ले ली। आप इसी तरीके से 6-8 जितनी भी बनाना चाहें उतनी आप स्ट्रैंड्स ले सकते हैं। इसी तरह एक थोड़ा सा मैं इसका बड़ा स्टिच ले रही हूँ, लंबा स्टिच ले रही हूँ, ये देखिए। और फिर वहीं से निकाल रही हूँ जहाँ पे ये वाला पहले वाला स्टिच है वो एंड हुआ है।
अब इसी तरीके से हम ये सारा जो है इसे फिल कर लेंगे ये इसके साथ रिंग नॉट के साथ। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे पर्ल्स भी लगा सकते हैं, इसके सेंटर में पर्ल लगा के साइडों पे आप रिंग नॉट बना सकते हैं। आप इसके अंदर भी जैसे इधर कहीं कहीं आप बीड्स लगा सकते हैं, ग्रीन कलर के बीड्स लगा सकते हैं। अब ये नेक जो है इसमें आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, आप पीको करवा सकते हैं, आप इसके ऊपर कोई सा भी और स्टिच अगर बनाना चाहें तो यही वाला जो स्टिच है ये 2-3 लेयर्स इसकी बना सकते हैं आप। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोस्टली लोग यहाँ पे पीको बना रहे होते हैं नेक लाइन के ऊपर, तो इसलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। तो ये था हमारा आज का खूबसूरत सा स्टिच, होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।